देखिए वहाँ पर भी कुछ एस्पिरेंट्स है और यहाँ पर भी कुछ एस्पिरेंट्स है जो जेकेएस जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिल्की कुमार है। कुमार साहब, ऐसा क्या हो गया जो आप कह रहे हैं इनको शर्म करो और इन्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम क्लास फोर्थ के वो एस्पिरेंट है जिन्होंने सेम पेपर दिया था, सेम क्लास फोर्थ की जो रिक्रूटमेंट थे सेम उसके रूल थे और इस रिक्रूटमेंट को फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कह के जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लाया गया था। ये कितनी फास्ट है अभी तक ये बताओ। मैम अभी तक 2 साल हो चुके हैं, अभी तक 3400 बच्चा जो पेंडिंग रह गया था, 8475 बच्चों की थी, 5500 को उन्होंने 2021 की फरवरी में लगा दिया और जो बाकी के बच्चे बच गए थे उनको अभी तक इन्होंने नहीं दिया। उन 5500 बच्चों को इन्होंने इतना फास्ट ज्वाइनिंग करवाई कि 7 दिन के अंदर प्रेफरेंस लिंक उनके वी रोल पर दिए, रात को 12-12 बजे तक डीसी ऑफिस से फोन आते थे कि भैया सुबह तुम्हारे ज्वाइनिंग करना है आ जाओ और 7 दिन के अंदर उनकी ज्वाइनिंग। एक मिनट, तो सिर्फ आख्या की रात ही फोन कर दे है कि तो सवेरे ज्वाइन करना, कौन आखदा है? ये सब डीसी ऑफिस से फोन आते हैं उन्हें कि राती 12 बजे के अंदर अंदर फोन किया है, सवेरे 4 बजे उठी आई जाओ, थोड़ा राती 4 बजे थोड़ा उठी आई जाओ तो थोड़ी सवेरे ज्वाइनिंग है। उन्हें 17 दिन अंदर 5500 बच्चे इन्हें ला उड़िया। ये नहीं पूछा कि डीसी दफ्तर फोन कर रहे हो कि डेजिग्नेशन है थोड़ी जरा तो आखा हो तो लाई उड़िया। देखो मैडम जी, मैं तो सिलेक्टेड नहीं हुआ हा, ते असें तो उधर जान नहीं दिता। जेड़े बच्चे सिलेक्टेड है उन्हें 12 बजे उन्हें वी रोल भरे थे, सवेरे 4 बजे उनकी जानी हुई, लेकिन अस जेड़े 3400 बच्चे रही है साढ़े 12 च इन्हें ने कुछ नहीं सोचा। अज 2 साल हुई है प्रेफरेंस लिंक जनरेट हो रहा है, अज कम से कम 2 महीने हुई है प्रेफरेंस लिंक क्लोज भी होता और उनते प्रेफरेंस 2 दिन अंदर लेती हैं, साढ़िया 15 दिन हुई है प्रेफरेंस लेती हैं। एक डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, सांबा, जम्मू, कठुआ, ऐसी केड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिधर जा बच्चे नहीं आए। और सिर्फ बच्चे इधर नहीं, जेके एसएसबी ऑफिस श्रीनगर भी इस टाइम प्रोटेस्ट चला था। मम्मी ये दसो कि तुस चेयरमैन दे दफ्तर दे इत्थे खलोते हो कि चेयरमैन साहब आए तो ही हाय हाय सुनिए तो ही बाजा सुनिए। मैडम जी चेयरमैन तो नहीं आए, एसएचओ साहब आई है। एसएचओ साहब आई है, मी समझ नहीं आई एसएचओ साहब ने लिस्ट कढ़नी है कि चेयरमैन साहब ने कढ़नी है? कोई बंदा नहीं आया, एक बंदा जेड़ा इन्हें बाहर रखे दा वो आखा दा भाई 2 बंदे आओ अंदर आइए गल करो, मी समझ नहीं आया अंदर कौन है, अंदर बाहर की नहीं निकला दा अली तरह बाहर नहीं आए। जाना अंदर गल करन 2 बंदे ना ना असें नहीं जाना, नहीं जाना। मैडम जी लिस्ट सारे दी है, एक बंदे दी लिस्ट तो है नहीं है, उन्हें 2 बंदे दी लिस्ट नहीं है जिन्हें अंदर जाना। 3 बारी दर जगत अंदर गए उठी, 3 बारी उन्हें आखिया महाराज 2 हफ्ते अंदर थोड़ी लिस्ट आई है नी, वो मुड़े 2 की बाहर भेज दे, वो आखते थे 1 महीने बाद लिस्ट आई जानी तुम जाओ करे, फिर ओदा कोई फायदा होंगे नहीं। इस बारी असें सोचा जो भी गल करनी है मीडिया के सामने असें बाकायदा प्रेस रिलीज कड्ढी दियो। तुस मीडिया बुलाया, मीडिया ते पुज्जी ना, हुन पुज्जी, हुन तुस बेचारा रस्ता दिखो, कोई ना कोई सलूशन ते तुसें कड्ढना नहीं, हुन तुस केह सलूशन कड्ढदे हो? 2 बंदे असें उन्हें आख्या कि सर तुस बाहर आइए मीडिया के सामने प्रेस रिलीज दे उड़ो कि तुसें 19 तरीक फलाने दिन लिस्ट कड्ढनी है, ते अस चुप कीते घरे जन्ने उठी, ओह हाली तक उन्हां दा कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा ते ए ते अगर 4 भी बज गए और नहीं आए उठा बाहर? राती भी इत्थे सोना असें, जे लिस्ट नहीं ना कड्ढी इन्हें ते जे प्रेस रिलीज कीती राती भी इत्थे रोना असें, असें तां धोड़ी घर नहीं जाना तां धोड़ी लिस्ट नहीं कड्ढी, चाहे असें हफ्ता की नहीं इधर बौना पई जाए। अच्छा ते हुण ए सुनाओ कि जेड़े तुसी फोन करदे हो उस नंबर उपर दोबारा फोन कर लैणा मारा तो आखा है डिपार्टमेंट दे उड़गे सारा? कोई नहीं चुकदा है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर हम क्लास फोर्थ के एस्पिरेंट हैं और हम ये पूछना चाहते हैं कि सर हमारी लिस्ट आप कब तक निकाल रहे हो? हम यहाँ आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप ना बाहर आ रहे हैं ना कोई हमारे पास जेके एसएसबी का कोई। तो बाहर कैसे नहीं, बाहर क्यों आएंगे सर? अगर बाहर नहीं आएंगे तो फिर सर हमें कौन बताएगा कि कब लिस्ट आएगी? सर कौन बताएगा?
सेक्रेटरी साहब आ नहीं रहे, हमने बहुत किया, हम कम से कम 100 बच्चे हैं अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। 100 बच्चे नहीं, 2 बच्चे उनके पास जाओ, वो बता दें। सर हम कई बार 2 बच्चे जा चुके हैं, हमें हर बार आप झूठा आश्वासन देते हो कि 2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। लास्ट टाइम भी बोला था आपने कि कल लिस्ट आ रही है, अभी तक आई नहीं सर। सुनो भाई जी, अगर तुम्हें नेतागिरी करनी है वो अलग बात है। सर हमें कोई नेतागिरी नहीं, हमें सर हम सब गरीब घर के बच्चे हैं। सुनो जी जी, सुनने की क्षमता रखो, नौकरी में आना है जी। सुनो, 2 बंदे जाओ सेक्रेटरी साहब के पास। सर लास्ट सर दो बंदे ना, हम पिछले 1 साल से 2 बंदे ही बात कर रहे हैं, लेकिन 2 बंदों से बात बन नहीं रही, इसलिए इतना आना पड़ा। फिर भाई वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। सर सर आप एक प्रेस रिलीज दे दीजिए कि आपकी लिस्ट तब आ रही है, उस डेट को आ रही है, हम तब भी चले जाएंगे। सर आप ऑफिशियली कुछ लिख के नहीं दे रहे हैं, और आप हर बार ये बोलते हैं कि हफ्ते के अंदर लिस्ट आ जाएगी और आप घर जाओ, लेकिन कभी लिस्ट आती नहीं है। देखिए सर सामने सर रियाज वानी सर, सर ऑफिशियल नहीं है इसका, सर वो बोर्ड के बाहर काम करते हैं सर। तो भाई तुम्हें ये आर्गुमेंट्स करने हैं तो तुम करते रहो, तुम्हारा पर्पस अगर ये है कि ये पूछना है तो मैंने सेक्रेटरी को बोल दिया। सर लिस्ट का बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, फिक्स डेट डेट फिक्स फाइनल डेट बता दीजिए, इस डेट को लिस्ट आएगी। नहीं नहीं नहीं, फाइनल नहीं बताएंगे, आप सेक्रेटरी साहब को मिलो। सर फिर हम क्या बात करेंगे? सर आप सुप्रीम अथॉरिटी है सर, आपके आप पे हमें ट्रस्ट है। अथॉरिटी बड़ी होती है, अथॉरिटी छोड़ो, ये तुम लोग कर रहे हो लीडर, ये छोड़ो। सर लीडर आप बना रहे हो ना, फिर हम नहीं बना रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर नाम जान के आप क्या करोगे? जेकेएसएसबी क्लास 4 का एस्पिरेंट हूं। नाम लिख के तुम्हारा मैंने कहीं लगाना भी नहीं है, तुम कितनी भी एरोगेंस नहीं दिखाओ। नहीं तुम्हारा जो इशू है, जो इशू है सेक्रेटरी के पास बात कर लो, हो जाएगा। सर बात करने से यू विल बी सैटिस्फाइड। सर हम सैटिस्फाइड, आई हैव बीन वेटिंग। सर हम यहां पे सारे आए हैं तो सेक्रेटरी सर हम सबसे बात करें ना आगे? नहीं नहीं करेंगे सर। नहीं क्यों नहीं करेंगे सर, ये तो फिर गुंडा कर दी है मुंह पे। नहीं तुम कर गुंडा कर दी कर रहे। सर हम क्या गुंडे हैं क्या? एस्पिरेंट्स हैं हम सारे। सर आप हमें कैसे गुंडा बोल रहे हो? सर ये चेयरमैन साहब से इस तरीके से बात करते हैं हमसे। यार एक सेकंड बात करने दो। एक सेकंड, ये किससे बात की थी? ये जेकेएसएसबी के चेयरमैन। इनका नाम बताओ। इनका नाम राजेश शर्मा सर। अच्छा, तो इन्होंने कहा अगर आप हमें नाम बता देते हो कौन आप हमसे बात कर रहे हो, हम आपका नाम लिस्ट में नहीं डालेंगे। ये सीधी सीधी मैम धमकी है, तानाशाही। आप नाम बताओ, हम आपको 2 मिनट में बाहर फेंकेंगे। आपके सामने ऑन, आपके सामने फोन पे बात की हमने, पहले तो फोन ही नहीं उठाते थे, आज इनको पता है पोटाश चल रहा है इसलिए फोन उठाया इन्होंने। देखो हम सवाल पूछ सकते थे, इसीलिए नहीं पूछा। कल को आपकी जॉब पे कोई जो है वो मसला ना बन जाए, इसीलिए हम बीच में नहीं बोले कि आप लाइव थे या जो भी थे। लेकिन चलो ये जानकारी थी, लोगों तक हमने पहुंचानी थी, और बिल्कुल लाइव में बोला गया कि अगर ये कोई भी नाम बता देता है तो इनको वहां पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, यानी इनकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो जीरो पर आके खत्म हो जाएगी। और सच में ये लाइव ये धमकी फर्स्ट टाइम नहीं, आपने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी ना वायरल, उन्होंने उसमें बोला था तू है कौन, आ तो सही, तू मेरे पर मिल तेरे को मैं बताता हूँ कैसे निकलती है लिस्ट। इस तरीके की धमकियां देते हैं यहाँ से। मतलब अगर ये ऊंची पोस्ट पर है तो ये आपके साथ कुछ भी है? बिल्कुल मैम, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, हम जाएंगे किसके पास? एलजी साहब बोलते हैं 2 मिनट। लोकतंत्र को इन्होंने डिक्टेटरशिप बना के रखा, लोकतंत्र को डिक्टेटरशिप। हम लोकतंत्र में रहते हैं, वोट डालते हैं, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ये तानाशाह समझे बड़े बड़े अफसर अपने आप को, तानाशाह नहीं चलेगी। धमकी तो सामने मिल गई। हाँ धमकी मिली है ना हमें कि आज हम सारे बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आया, और यही लोकतंत्र ये सरकार होने का डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी कहाँ है बताओ ना, डिक्टेटरशिप है। जैसे धमकी मिल रही है हमें कि अपना नाम बताओ लिस्ट में नहीं डालेंगे, ये कौन सी बात हुई? हम अब क्या करेंगे? हम तो यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। ऑफिस में क्यों आए, कोई लीडर ही छोड़ने आए हो? नहीं हमें लीडर कहाँ, मैं जी देखो नीचे चप्पलें देखो मेरी, ये लीडर वाली चप्पल है, ये पजामा लीडर वाला मेरा। गरीब बंदे हम उठ के आए हैं घर से। कहाँ से आए हो? हम मैं जी बॉर्डर से, सियतगढ़ लास्ट से। हाँ कोई कठुआ से, कोई शांबा से, कोई पुंछ से। तू मैं जी वहां तक तब नहीं पहुंचा, बोला था मंडे को लिस्ट आएगी, इन्होंने कुछ न्यूज पोर्टल थ्रू ही उन्होंने बताया कि मंडे को आपकी लिस्ट आएगी, हमें नहीं करने दिया मंडे को प्रोटेस्ट। अंधेरे में रखा हमें, इसलिए हमने सोचा आ जाएगी मंडे। मंडे को सभी बच्चे पूरा दिन ही जेके एसएसबी एनआईसी डीआरडी लिखते रहे कि लिस्ट अब आएगी, 12 बजे आएगी। अच्छा मुझे ये
बता दो, आपने कहा कि डीसी ऑफिस से आपको कॉल्स वगैरह आती थी, जब आपका यहाँ पे मसला नहीं हल हो रहा, क्यों नहीं आप उस नंबर पे कॉल करके पूछते हो भाई डीसी ऑफिस से आप कॉल कर रहे हो? डीसी ऑफिस जम्मू का एक ऑफिस है जिसका, जो आप जानते हो सारी अथॉरिटी इनके पास है, सारे काम वहाँ से होते हैं, तो फिर आप कभी वहाँ क्यों नहीं गए? मैम जी, जब ये पहली लिस्ट कैंसिल हुई थी, ये सभी जीएडी दफ्तर गए थे, तभी तो अप्रूवल लाया ये 3400 बच्चों का, नहीं तो ये हमारी वैकेंसी कैंसिल कर देते 3400 की, क्योंकि 8575 बंदा एक ही नोटिफिकेशन के दो रूल इन्होंने बना के रख दिए हैं। 5500 बंदा आज एक साल हो गया सैलरी लेते हुए, 5100 बंदा, और 3400 बच्चों ने क्या अलग टेस्ट दिया उनसे? एक ही टेस्ट दिया, एक ही पास हुए सब कुछ साथ में, 5500 बंदा सैलरी ले रहा है साल से, क्या वो इनके रिश्तेदार है 5500 बंदा? हम इनके रिश्तेदार नहीं है, हमने नहीं वोट दिया, हम भी डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम भी अपने आप को इंडियन मानते हैं, पक्के इंडियन मानते हैं। डेमोक्रेसी नहीं को नहीं बढ़ावा दे रहे हो आप, तानाशाही को जो हमें धमकी मिल रही है, ये कौन सी धमकी हुई? हम चोर है, गुंडे हैं, उचक्के हैं, हम गरीब बंदे हैं, शरीफ बंदे हैं, गाँव से आते हैं। अपने दफ्तर बैठे थे, कोई नहीं आया दफ्तर में, किसी का मुंह नहीं देखा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल इसी ऑफिस के बाहर जो है ये बैठे हुए हैं, और इन्हीं को जो है वो फोन लगाया गया था। आगे जो डर के नहीं आया, हाँ ये प्रदर्शन होगा, ये होगा, अभी तक ऑफिशियल नहीं निकला बाहर कोई हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे आपकी आवाजें तो जा ही रही होंगी अंदर तक की आप बाहर आए हो, जो कहाँ जा रही है, अंदर होगा तो कौन सुनेगा, दीवारें सुनेंगी, कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर, खाली पड़ा है, डरिए मैम जी, जो सेक्रेटरी साहब आए, सिर्फ सेक्रेटरी साहब, बार बार कहा जा रहा है कि अब सेक्रेटरी से बात करो, सेक्रेटरी साहब बोले 2000 बंदे बात करो, मैम जी जब नौकरी सबने लेनी है 2000 बंदे क्यों बात करें, करें तो सबसे आके करें, मजे से हम प्रोटेस्ट पीसफुल कर रहे हैं, हम कोई इनकी तोड़फोड़ नहीं कर रहे, हम पीसफुल मजे से बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे। चलिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इसी ऑफिस के बाहर ही आए हैं और महज यहाँ पर बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और वायरल वीडियो जो है वो आपने सुनी है, इसी वीडियो में पूरा जो है वो ऑडियो है, इसमें क्या कहा गया जब इन्होंने फोन लगाया, और फोन जो है वो राकेश शर्मा जी को लगाया गया जो चेयरमैन है जेएनके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, आपने सुना क्या कहा? तो इनको साफ तौर पर ये कहा गया अगर आप अपना नाम बताएंगे तो लिस्ट में जो है आपका नाम नहीं डाला जाएगा। तो आपकी क्या राय है उसे साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू बुलेटिन, आशिया खान से।